मध्य प्रदेश के जिला से लेके आए हैं, जहां एक बेबस बाप की खबर ही, जहां एक ऐसा लड़का की खबर ही जो अपने बाप से एक चीज़ मांगिस। आज मोबाइल के दौर आए, या मोबाइल हर हाथ में है, बाप से लेके लड़का से लेके बिटिया से लेके छोट हो बड़ा हो सबके हाथ में आज एक मोबाइल ज़रूर है। किंतु वह मोबाइल कब केहू के खातिर जानलेवा बन जाए, या तो मतलब ये में खबर उतर रहती है कहीं कि एक ऐसे मामला आवा है जहां एक लड़का के मोबाइल के टॉपअप खत्म हो गया रहा, रिचार्ज खत्म हो गया रहा। तो बाप से कहा था कि एक रिचार्ज करवा दी, किंतु बाप के लगे आर्थिक तंगी हो के चलते उसका रिचार्ज नहीं करवाईस। एक एक चलते हुआ उनका लड़का जो है एक खौफनाक कदम उठाईस। पूरी खबर लेके आए हैं जो सोचे माँ मजबूर कर दी। तो विद क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करें तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे। उस शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहां अपना पंचन को बता दी कि 21वीं सदी में पूर्व दुनिया टेक्नोलॉजी संपन्न हो रही है। एक तरफ जहां विज्ञान के द्वारा लोगन के लाइफ स्टाइल का बदला जा रहा है, वहीं विज्ञान के देन मोबाइल पूरी तरह से एक छोट से उपकरण में कैद कर दी है। मोबाइल जहां लोगन की जीवन शैली, उनके कार्य क्षेत्र और शिक्षा का विस्तार दे रहा है, तो वहीं लोगन खातिर जो है नशे के काम कर रहा है। महिला पुरुष बुजुर्ग बच्चे ये सब मोबाइल के असर देखा जा सकता है। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र में एक घटना मोबाइल के लाभ एवं नुकसान का लेके विचार करे पर मजबूर कर थी। दरअसल जो है 14 साल के निखिल सिर्फ ऐसे अपन जीव दहीस कहे क्योंकि मोबाइल के इंटरनेट पैक खत्म हो गया रहा। पिता आर्थिक तंगी के कारण मोबाइल रिचार्ज करावे में सक्षम नहीं रहे। बच्चा मोबाइल के आदि रहा और बिना मोबाइल के वो अवसाद में चला गया। घटना की जानकारी मिलते पुलिस के द्वारा जांच की गए तो प्रथम दृष्टि बात सामने आई कि बच्चा के पिता मजदूर है। 4 महीना पहले उनका पत्नी यानी निखिल के माँ बीमारी के चलते दुनिया छोड़ के चली गए। बच्चा के पास परिवार में पिता एकमात्र सदस्य थे रहे। जब पिता मजदूरी करे चले जा रहे तो बच्चा मोबाइल में व्यस्त रहा। यह वजह रही कि मोबाइल में इंटरनेट पैक खत्म हो गया और ओका कुछ समझ में नहीं आवा, वह अपन जीव दे दिए। बहरहाल पुलिस के द्वारा मर कायम करके घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अपना बच्चे बताया दी पुलिस अधिकारी कहब है कि बच्चन का मोबाइल की लत काफ़ी नुकसानदायक है। मोबाइल के कारण बच्चन के आँख खराब हो, उनका मानसिक क्षमता कमजोर हो सामान्य बीमारी है, लेकिन मोबाइल न मिलब या एकर उपयोग न कर पाऊ एकर इतना आत्मघाती हो सकता है या काफ़ी गंभीर मामला है। अधिकारी इनके मानव है कि बच्चन का मोबाइल के उपयोग के प्रति जागरूक करब बेहद जरूरी है। माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य के बच्चन के साथ वक्त बितावे सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक अलावा उनका मोबाइल से दूर रख के आउटडोर गेम खेले खेती प्रेरित करे के उनके शारीरिक मानसिक क्षमता का बढ़ावा देते हैं। ऐसी यह बात पर ध्यान देव जरूरी है कि बच्चे मोबाइल का उपयोग तो करें लेकिन एक आदि न हुए। तो निश्चित तौर पर यह कहा थे ना कि विज्ञान एक वरदान है तो विज्ञान एक अभिशाप है। वरदान और अभिशाप का अंतर हमका बचन का समझे का पड़ी। कहे कि छोट छोट लड़का आज मोबाइल के इतना प्रेमी है, इतना आदि हो चुके हैं। छोट छोट लड़का हमसे अपना से ज़्यादा जाने लगे ही मोबाइल के बारे में, और यह अत्यधिक जानकारी को हाथ है ना कि अति सर्वत्र वर्जित। तो मतलब अति यदि हुई तो निश्चित तौर पर ओकर अति के अंत हुई। तो ऐसे अति के अंत यदि रोके का है तो अपना बचन का ध्यान देख पड़ी, घर के लड़कन का समझावे पड़ी, समझे का पड़ी। उनके हाथ मोबाइल है तो का करत है का नहीं करता ही वह देखे का पड़ी। और साथ में लड़कन का थोका यह करे का पड़ी कि अपने आपन जीव छुड़ावे खेते जो लड़कन के हाथ मोबाइल दी थे तो उनका यह कहे का पड़ी कि अपना बचन लड़का का जो है लड़कन का यह आदेश दे के पड़ी कि जा बहरे खेला, क्रिकेट खेला, कबड्डी खेला, फुटबॉल खेला, मैदान में खेला, दोस्तन के साथ खेला, किंतु मोबाइल से थोक दूरी रहा। किंतु यदि मोबाइल से प्रेम और मोबाइल से यदि नज़दीकी लगातार बढ़त गई तो निश्चित तौर पर कौन परिवार खेती वह बेहतर न हो। कहे कि आगामी दिनन पर यदि हमें परिणाम ही तो अपना सोच सकी थे, समझ सकी थे कि आगामी दिनन में कितना खतरनाक स्वरूप ले सकते थे। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद।